हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है अभी यूएनएफसीसी की 24वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसको लेके। तो देखो, हम पूरे कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसी के साथ हम एक दो फैक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कंटेक्स्ट को। तो कंटेक्स्ट है क्या वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन पेवेलियन ने, उसने 24वीं कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज की मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया। भारत के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन राठौड़, उन्होंने बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुल इसमें काफी सारे अनाउंसमेंट वगैरह वो किए थे। अब देखो, कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज है क्या, पहले ये वर्ड हम समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज है वो वर्ड आया कहाँ से। देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, इसका जो अभी 2400 एडिशन हुआ था जिसे हम कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज कहते हैं, वो बेसिकली हुआ था पोलैंड में। तो यह ध्यान रखना कि पोलैंड में कैटोवाइस जगह है, वहां पे बेसिकली 24वीं कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज है वो सबमिट की गई। और इसमें इंडिया की तरफ से जो थीम थी वो थी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अब देखो, इसी के साथ ही आपको बताऊं कि इस पेवेलियन में जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज की UNFCCC की, इसमें बेसिकली इंडिया के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कैंपेन की बात की गई। कैंपेन क्या था, कैंपेन बेसिकली ये था कि हमारे देश में इन्वायरमेंट को, हमारे देश में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम या कैंपेन था जिसका नाम है ग्रीन गुड डेट्स मूवमेंट। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि रिसेंटली इंडिया द्वारा ग्रीन गुड डेट्स मूवमेंट चलाया गया था वो किसके लिए। तो आप हमें ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज की 24वीं जो मीटिंग हुई थी उसके तहत बेसिकली इसको इंडिया के द्वारा एडोप्ट है वो किया गया। अब हम और फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुई थी उसका आपको बाद आपको पता कि हर साल एक मीटिंग होती रहती है एनवायरनमेंट को लेके, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज था वो बना था। तो ये क्या है, हर साल जो एनवायरनमेंट को लेके एक तरह से कॉन्फ्रेंस होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बेसिकली उनको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और हर में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं वो सामने निकल के आते हैं, नीचे पे फोकस है वो किया जाता है। तो अभी जो 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी इसका मेन फोकस ये था कि जो डेंजरियस ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम को लेके, इसको रोका जा सके। मतलब क्लाइमेट में जो इंसान हस्तक्षेप कर रहा है, चाहे आप बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के और भी रीजंस हैं उसमें, आपको बताया कि इंसान है वो ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि इंसान ने आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा बढ़ाया है। तो इसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है और इसको इंटरफेरेंस को कम करना है ताकि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क वो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है वो भी बेसिकली इसीलिए काम करता है ताकि जो एक तरीके से एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को हम एक तरीके से कम है वो कर सकें, इसका इफेक्ट है वो हमारी अर्थ पे, या बोल सकते हो कि हमारी अर्थ बायोलाइफ पे इफेक्ट है वो ना कर सके। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज है उनके द्वारा डिसीजन लिए गए कि जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है या बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको रोकना है। इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप यहाँ पर उठाने की बात की गई है जो कि एज यूजुअल हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक बात क्या है, हम बात करें UNFCCC की। देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसको बेसिकली 1994 में बनाया गया था। यह एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यह आपको ध्यान रखना है, और यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज है, यूएन द्वारा सर्टिफाइड है। और यह ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। हम बात करें 2015 में इसके मेंबर थे, जो मेंबर कंट्री थी उनकी संख्या थी 197। तो यह कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि 2400 एडिशन है वो हुआ कहाँ पे था, पोलैंड में। तो ये कुछ दो चार फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ ही देखो, इंडिया का भी यहाँ पे एक नाम उल्लेख हुआ जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, वो था चैंपियंस ऑफ द अर्थ वार्ड, जो कि इसी से रिलेटेड है। देखो, आपको पता है कि इस साल भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो, और इसी के साथ ही हम बात करें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन दोनों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था, जो कि एक तरीके से बात करें कि हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पे की जा रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के लिए, प्रोटेक्ट के लिए जो अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। किसके द्वारा लाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इंडिया को क्यों दिया गया ये अवार्ड वो हम देखते हैं। देखो, जैसा हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया था और उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था इंडिया और फ्रांस दोनों का ही, और इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है। और एक तरीके से इंडिया ने टारगेट रखा है
कि 2022 तक हम में जो इंडिया है इसको प्लास्टिक फ्री घोषित है या प्लास्टिक फ्री है वो बनाएंगे। तो इन सब अच्छे स्टेप के लिए इंडिया को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, देखो बेसिकली 2005 में उसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक तरीके से आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज किया गया था इस अवार्ड को। जैसा मैंने आपको बताया कि यूएन का इन्वायरमेंट के लेके ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि किसी प्राइवेट पर्सन को भी मिल सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई सिविल सोसाइटी हो उसको मिल सकता है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो किसी सिविल सोसाइटी को या फिर इंडिविजुअल को या फिर पब्लिक और या फिर प्राइवेट सेक्टर है किसी को भी अवार्ड दिया जाता है। किस लिए? ट्रांसफॉर्मेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, मतलब जिस पर्सन ने या जिस संस्था ने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम किया है उसको बेसिकली चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो दिया जाता है। तो 2018 का जो ये अवार्ड है वो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बेसिकली अवार्ड है उसे नवाजा गया है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंजनलेस ट्रेन के बारे में। तो देखो इंडिया ने अपनी पहली इंजनलेस ट्रेन है वो बनाई है और जिसकी स्पीड है वो इंडिया की सबसे ज्यादा स्पीड है। उसकी स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर ओवर। तो देखो यूपीएससी स्पीड तो नहीं पूछने वाली है, बट यह ध्यान रखना कि इंजनलेस ट्रेन है वो इंडिया ने बनाई है और 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। और इस ट्रेन की जो लागत है वो नॉर्मल ट्रेन जो हमारे देश में बनती है उनसे भी आधी है, मतलब आधी रेट में इतनी अच्छी ट्रेन इंडिया के द्वारा बनाई गई है। तो इंडिया ने मेक इन इंडिया के एग्जाम्पल में आप इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेट्रो टाइप की फैसिलिटीज में अवेलेबल है, जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन होती है उसी तरीके से इसमें दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे ऑटोमेटिक बंद होंगे। और इसका जो ट्रायल है वो कोटा से सवाईमाधोपुर रूट में किया गया है और यह इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के भी बनने वाली है। तो इसके बारे में ये कुछ फैक्ट नहीं वो हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है 9th एडिशन ऑफ एडमिरल कप सेलिंग रेगटा के बारे में। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि एडमिरल कप सेलिंग रेगटा है क्या। देखो यह बिगेस्ट मिलिट्री सेलिंग जो कॉम्पिटिटिव है जो कि इंडिया में आयोजित है वो किया जाता है और इसको बेसिकली आयोजित किया गया है इंडियन नेवल अकेडमी के द्वारा केरला के अंतर्गत। तो यह चीज़ एक तो हमें ध्यान में रखनी है। नोवा एडिशन आयोजित किया गया है, इससे पहले 2010 में इसको स्टार्ट है वो किया गया था और अभी नोवा एडिशन इसका सक्सेसफुली कब स्टार्ट है वो हुआ है। तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी तो ये पूछ सकती है कि एडमिरल कप सेलिंग रेगटा है वो किस से रिलेटेड है। इंडिया फ्रांस की वो एक्सरसाइज है, इंडिया जापान की है, क्या है? तो हमें ध्यान में रखना है कि एक मिलिट्री सेलिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें अदर कंट्रीज के मेंबर हैं नेवी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नौका की ये जो यात्रा है वो की जाती है, कुछ इस तरह की शिप होती हैं और उनको बेसिकली कॉम्पिटिशन आयोजित है वो किया जाता है। तो यह ध्यान में रखना है कि इसको आयोजित कब किया गया था और ये है क्या। तो इसका अभी नोवा एडिशन इंडिया में केरला में आयोजित है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ओपेक के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि कतर ने अभी अनाउंस कर दिया है फाइनली कि 1 जनवरी 2019 को वो ओपेक से रिमूव हो जाएगा, ओपेक से अपने आप को विड्रॉल है वो कर रहा है। देखो ओपेक की बात करें थोड़ा, ओपेक है वो बेसिकली जो कंट्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक तरीके से प्रोड्यूस करती हैं उनका एक कार्टल है या उनका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यह इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया है वो इसका मेंबर नहीं है, मतलब भारत इसका मेंबर नहीं है। तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया इसका मेंबर है, तो भाई इंडिया इसका कोई मेंबर नहीं है। अब देखो ओपेक से बेसिकली कतर ने क्यों मूव किया, इसके पीछे कपे सा रीजन है। एक तो ये है कि ओपेक जो कंट्रीज हैं या फिर ओपेक जो कंट्रीज इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है इसके अंदर जो सऊदी अरब है वो अपनी मनमर्जी कर रहा था, या बोल सकते हो एक तरीके से काफ़ी अहम रोल निभा रहा था, दादागिरी कर रहा था एक तरीके से बोले तो। और इसीलिए कतर को ये चीज़ पसंद नहीं आई और काफ़ी टाइम से डिफरेंसेस बढ़ रहे थे और इसीलिए कतर ने ओपेक से अपने आप को हटा लिया है। अब हम बात करें कि जो कतर है वो बेसिकली देखो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करता है, मतलब यह क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट नहीं करता ज़्यादा, यह प्रोड्यूस करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब एलएनजी है उसको प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट है वो करता है। तो यह ध्यान में रखनी है कि जो कतर है वो बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, एलएनजी का। और बेसिकली जो ओपेक ग्रुप है वो 1961 में बनाया गया था और अभी इसमें से कतर ने अपने आप को मूव होना है, कतर अपने आप को यहाँ से हटा लिया है। जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें से हम बात करें तो 43% है जो ऑयल प्रोड्यूस है वो इन ओपेक कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करें कि जो ओपेक कंट्रीज के पास जो कैपेसिटी है ऑयल प्रोड्यूस करने की वो है 73%, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का 73% जो ऑयल रिजर्व है वो ओपेक कंट्री के पास ही है। तो यह कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं कि वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट रिजर्व हैं ऑयल के वो ओपेक कंट्रीज के बारे में है
और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना तेल प्रोड्यूस होता है उसका 43% जो ऑयल है वो अकेले ओपेक कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस है वो किया जाता है। सारे कंट्रीज के मेंबर हम जो सारे मेंबर हैं इसके वो हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि कतर ने अभी से मूव ऑन किया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सेनू मैत्री एक्साइज 2018 के बारे में। देखो जो सेनू मैत्री एक्साइज 2018 है वो इंडिया और जापान के बीच में पहली बायलेटरल एयर एक्साइज है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया और जापान के बीच में जो पहली बायलेटरल एयर एक्साइज है वो बेसिकली सेनू है, सेनू मैत्री 2018। तो यह इंडिया की एयरफोर्स और इसी के साथ ही जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है JASDF उसके द्वारा या उन दोनों के बीच में आयोजित है वो की गई है। इसका मेन मोटो यह थीम है वो इस प्रकार रही है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे वो प्रोवाइड करना और एक तरह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो प्रोवाइड करना जब भी डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं कि जापान में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर आते हैं भूकंप वगैरह, तो उनसे निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और जापान के बीच में पहली मैत्री बायलेटरल एक्साइज है वो आयोजित की गई है। तो ये इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थे बेसिकली आज के हमारे टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर किए। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में जाना कि इस बार का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो कि UN द्वारा दिया जाता है वो बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री और इसी के साथ ही फ्रांस के प्रधानमंत्री उन दोनों को दिया गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेल्प से जो प्लास्टिक फ्री इंडिया या फिर आप बोल सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी अच्छा फोकस किया था। इसके साथ ही इंडिया की जो पहली इंजनलेस ट्रेन है जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उसका भी उद्घाटन या उसकी शुरुआत की गई है और 100% मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। इसके साथ ही हमने एडमिरल कप सेलिंग रेक्टा के बारे में जाना जो कि बिगेस्ट मिलिट्री सेलिंग कॉम्पिटिशन है जो कि इंडिया के केरला में आयोजित है वो किया गया है। इसके साथ ही हमने ओपेक कंट्रीज के बारे में जाना और जाना कि कतर ने ओपेक से विड्रॉल कर लिया है, तो ये इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमने सेनू मैत्री एक्साइज 2018 के बारे में जाना जो कि इंडिया और जापान के बीच में पहली एयर एक्साइज है, तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।